अपना दोबारा जन्म होने से पहले मैं एक टॉक्सिक कंपनी में नौकरी किया करता था, और अब मैं हूँ इस अजीब से दुनिया में जहाँ हर चीज मॉन्स्टर्स गिराते हैं डंजन्स में। अपनी नई जिंदगी में मैं लेवल 1 पर हूँ, लेकिन मेरे पास एक कमाल की स्किल है जिसकी वजह से मेरे सारे ड्रॉप रेट्स रैंक S पर हैं। और उसके बाद मेरा सामना हुआ एक बहुत बड़े गोरिल्ला से। अब उसे हराने के लिए मुझे क्या अनोखी चीज मिल सकती है? कौन है? अरे ये तो वही लड़की। मुझे कम लेवल से नफरत है। हाँ, लेकिन ये बताने के लिए मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? कुछ चाहिए तुम्हें? I love you. यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कौन थी। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में आम लोगों की तरह बनी गर्ल्स भी रहती हैं? अरे क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे, मैं तो तुम्हारी। तुम्हारे साथ भी यही किया था मैंने, लेकिन तुम तब भी जिंदा हो। क्या तुमने मेरे साथ भी यही किया था? तुम लो लेवल के हो फिर भी कैसे बच गए? मैं क्या कहूँ, मैं तो बस शायद इसलिए कि मेरी HP रैंक S पर है। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ पर मेरे पास क्यों आई हो? क्योंकि मुझे डंजन में ये गाजर मिली थी। गाजरें चाहिए, ये बहुत अच्छी है। मुझे चाहिए वो, मुझे गाजरें पसंद है। अरे रुक जाओ, लेकिन ये गाजरें तो हमारी हैं। क्या तुम भी खाओगी हमारे साथ? पहले हम गाजरों को छीलेंगे, फिर हम गाजरों को नूडल्स की तरह ऐसे पतला पतला काट लेंगे, फिर उन्हें इतना ही उबालेंगे कि उनकी क्रंचीनेस बनी रहे, फिर गाजर की पत्तियों और मीट से हम सॉस बनाएंगे। जब हम सॉस को नूडल्स पर डालेंगे तो हमारी 3 रंगों वाली कैरेट नूडल्स तैयार हो जाएगी कैरेट सॉस के साथ। तो अब मजे लो बीन स्प्राउट्स और कैरेट से बनी इन डिशेस के। खाने के लिए शुक्रिया। सूप की खुशबू बहुत अच्छी है। ये बताओ तुम्हारे ये कान असली हैं क्या? ये सूप बहुत अच्छा है। हाँ वाकई अच्छी बनी है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैं समझ गया कि तुमने ये बात क्यों कही। एमिली सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तो तुम जितना चाहो खा सकती हो। मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। खाने के लिए शुक्रिया।
बाय। हाँ ठीक है, बाय। हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। हाँ जरूर आऊंगी। ये आखिर आई क्यों थी यहाँ? और हमने तो उससे उसका नाम तक नहीं पूछा है। मिली, सुनो योदा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यहाँ आने से पहले मैं हमेशा अकेले ही खाना खाती थी, इसलिए जब यहाँ मुझे तुम्हारे साथ और एक मेहमान के साथ खाना खाने का मौका मिला तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगा। मैं हमेशा अकेले ही खाना खाया करता था। योदा, आगे से हम साथ में ही खाना खाया करेंगे। हाँ जरूर। इस दुनिया में आने के बाद मुझे अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगी, और उसे बचाने के लिए मैं अपनी ताकत बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा इकलौता हथियार टूट गया। एचपी रैंक एस होने की वजह से मुझे दर्द नहीं हुआ। मुक्का था जबरदस्त। काश मेरे पास दूर से वार करने वाला हथियार होता। पहले डंजन लेवल ने मेरी एचपी बढ़ा दी थी, अब दूसरे में क्या होगा? रियोता की स्ट्रेंथ एक से बढ़ गई है। तो ये स्ट्रेंथ है? तो तुम वहां क्या कर रही हो? वो क्या था? क्या कहा? वही जो गिरा था। हर कोई यही सोचता है कि न्यूहोनियम में कुछ नहीं गिरता, लेकिन क्योंकि मेरी ड्रॉप रैंक एस है इसलिए मेरी स्टैट बूस्ट हो गई। अच्छा होगा कि मैं इसे ना बताऊं कि मेरी रैंक नहीं, इसे नहीं पता चलना चाहिए। क्या और गाजरें मिली है तुम्हें? गाजरें चाहिए। तुमने मुझे गाजर नहीं दी तो नहीं तो या मुझे गाजर दो या मर जाओ। क्या मेरी जिंदगी अब गाजर पर टिकी है? यहाँ तुम्हें गाजर नहीं मिलेंगी, जल्दी से टेलुलू में जाओ। अच्छा ठीक है, हम बाद में टेलुलू चले जाएंगे। सच में? हाँ, तुम मेरा स्वालोस ग्रेटिट्यूड पर इंतजार करना। अच्छा तो ठीक है। मुझे लगता है जो मेरे पास गाजर है इसे वही चाहिए। मेरी स्ट्रेंथ की रैंक एफ से बढ़कर डी होने के बाद स्लाइम्स को मारना पहले से आसान हो गया है, और मुझे बहुत सारी गाजरें भी मिल गई हैं। वो रही। ये कौन है? बड़ा अजीब इंसान है। किलिंग रैबिट के पास अपने आप कोई नहीं जाता। ये लो तुम्हारी गाजर। लगता है इसे बिल्कुल भी होश नहीं है कि ये क्या करने जा रहा है। सनकी कहीं का क्या हुआ? मुझे गाजरी पसंद है। लगता है इसे वही गाजर मिली है जो इस पागल लड़की को पसंद है। ये कैसी हरकत थी तुम्हारी? रियोता, ये बताओ क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ एर्जा, इसको मैं जानता हूँ, हम पहले मिल चुके हैं। तुम्हारा डिनर ये रहा। मैंने इसे कुछ गाजरें दी और अब ये मुझे पसंद करती है। रियोता सुनो, मैं ये गाजरें तुम्हें दुगने दाम में देकर खरीदने के लिए तैयार हूँ। दुगने? पर क्यों? अच्छा तो तुम नहीं जानते, ये जो लड़की है इसका नाम है ईव कैलस लीडर। ये एक एडवेंचरर है जिसकी पहचान है रैबिट जैसे कान और शक्ल। रियोता तुम्हें पता है इसका वार काफी जानलेवा है, जो बड़ी चट्टान के भी दो टुकड़े कर सकता है। हाँ एक बात और, इसे अच्छी गाजरों की भी पहचान है, और सिग्नो के आसपास जो डंजन है उनमें ऐसे कैरेट लेवल्स हैं जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जीत सकता। ये हमेशा कहती है गाजर दो या मर जाओ। सुना है कई लोगों को ये मार भी चुकी है क्योंकि उन्होंने इसे जो गाजरें दी उनका स्वाद खराब था। तुम तो बहुत कुछ जानती हो इसके बारे में।
इसलिए तो जो भी गाजर जिसे ये पसंद कर लेती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी कीमतों पर बिकती है। और स्वालोज ग्रेटिट्यूड में हम उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं एक गाजर 15,000 पिलोज में खरीदने के लिए तैयार हूँ। 15,000 को अगर 30 से गुना करे तो यानी एक महीने में 4.5 लाख पिलोज। मुझे उसे शुक्रिया कहना चाहिए। शुक्रिया से पहले गाजर दो। गाजर दो प्लीज। मेरा आज का टाइम खत्म हो गया, अब बाकी गाजरें कल ला कर दूंगा तुम्हें। लो लेवल, मुझे तुमसे नफरत है। क्या? मेरा नाम कोई लो लेवल नहीं है, सातो रियोता है, याद रखना इस बात को। मुझे गाजर चाहिए। मुझे माफ करना, मैंने एमिली से वादा किया है कि मैं कम काम करूंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हें कल और गाजर ला कर दूंगा। गाजर दो या जाकर मर जाओ। अच्छा, गाजर दो या मर जाओ। हाँ सही समझे। चलो मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ईव। कल और गाजरी लाना।